topic is rationalization when the denominator has three terms. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में तीन में से किन्हीं दो को एक साथ ब्रैकेट में डाल देते हैं. डिनोमिनेटर में से किन्हीं दो को ब्रैकेट में डाल देते हैं. अब कौन सी दो, आपकी चॉइस है. ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कौन सा इजी रहेगा. से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसमें से कोई दो को ब्रैकेट बना दूंगी, यानी कि सपोज मैंने पहले दो ले लिए और एक ये हो गया, इसको ऐसे लिख दो. ठीक है, ओके. अब देखो रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर में हमने अभी तक दो टर्म्स का सीखा है, यानी कि वन अपॉन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेते थे, हम करते थे रूट की वैल्यू सेम रहते थे, बस बीच का साइन चेंज हो जाता था. जब थ्री टर्म्स होती हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक ही टर्म है, ये एक है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर टर्म्स वही रहेंगी, बीच का साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमने दो को क्लब करके एक एज्यूम किया, राइट. हमने दो को क्लब करके एक एज्यूम किया, हमने कहा ये एज इट इज, ये एज इट इज, बीच का साइन चेंज हो गया. तो अब न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट, वो ये छोटा हो गया. हाँ, फोर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे डिनोमिनेटर में भी हमने इससे मल्टीप्लाई किया. न्यूमरेटर हम खोल देते हैं, 8 + 4√3 − 4√7. डिनोमिनेटर में हमेशा आईडी लगती है. कौन सी आईडी लगती है? यस, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए ये है, इसको क्योंकि हमने एक टर्म माना था तो ए ये है, तो ये कितना हो गया 2 + √3 2 - b यानी √7. ध्यान से देखो, मैं इस न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर रही हूँ अब, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर को. जब मैं इसको खोलूंगी तो आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? 4 + 3. हाँ, +4√3. ब्यूटिफुल, अमेजिंग. आप लोग भूल जाते हो भैया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है. शी इज वेरी राइट. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस का साइन और इसका हो जाएगा 7. ठीक है, आगे देखो. अब हमारा न्यूमरेटर तो यही है, डिनोमिनेटर क्या हो गया 4 + 3 यानी 7. 7 इस 7 से कट जाएगा, क्लियर है? 7 इस 7 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा ये. चलो मैं लिखी देती हूँ एक बार. 7 7 से कट गया, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद दिस. यहां तक क्लियर है? ठीक है, बस ट्विस्ट ये है कि हमने दो को एक बना दिया, उसको एक टर्म समझा, लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट गायब नहीं हुआ है. फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा. अब की बार रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, राइट, √3. तो अब हम √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर बन गया 8√3 + 12 − 4√21 और डिनोमिनेटर आ गया 12. अब हम स्प्लिट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, 8√3/12 + 12/12 − 4√21/12. तो अब कटिंग हो जाएगी, ये 4 से कट जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में हर जगह
रूट हट गया, या तो दिस इज द आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो एलसीएम दोबारा लेकर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है जी।